हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने एक नए रोबोट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ इससे कई सारे घर के काम करवाएंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। ये दोस्तों एक वैक्यूम एंड मोपिंग रोबोट है, मतलब कि आपके घर की ना पूरे टाइम साफ सफाई एकदम चमचमाता हुआ रखने वाला है ये आपके घर को। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कैसा ये काम करता है एंड सारी चीजें, इसकी क्या है प्राइस एंड इसे कैसे हम परचेज कर सकते हैं सब कुछ। सो फटाफट यार इस को लाइक मारो एंड गाइस कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बड़ा सा बॉक्स है एंड ये काफी ज्यादा हैवी भी है। सो हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। एंड ओपन करने के साथ ही दोस्तों हमें सामने ही मिल जाता है हमारा रोबोट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी, मतलब कि आर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। एंड बॉक्स के अंदर हमें ये केबल भी देखने को मिलेगा, चार्जिंग केबल। एंड यहाँ पे आपको ये स्टैंड जो कि चार्जिंग स्टैंड है जहाँ पे आपका रोबोट चार्ज होगा जाके। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ब्रश मिल जाते हैं जो आपको साइड में लगेंगे रोबोट के। एंड उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल भी हमें देखने को मिल जाता है जिसमें सारी कुछ जो है समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा बॉक्स इसके अंदर है जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ क्लॉथ दिए गए हैं जिसे हम रोबोट के नीचे लगाएंगे मोपिंग के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाता है एक फिल्टर, एंड ये फिल्टर भी रोबोट में ही लगता है, एक लगा हुआ है एंड इसे अभी रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो और आपको साइड ब्रश मिल जाते हैं, ये सब एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आपको इसे वैसे खोल के मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे वैसे ही रख देते हैं क्योंकि ये एक रोबोट के साथ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा रोबोट देख सकते हो डीबॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इकोवैक्स कंपनी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको एक पावर बटन यानी कि स्विच बटन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर के साइड आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेंसर लगे हुए हैं जहाँ से ये डिटेक्ट करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रू डिटेक्ट 3D मिलता है इसके सामने की तरफ है, जो पूरा सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है कि सामने क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रू डिटेक्ट 3D। एंड इससे दोस्तों सारी चीज़ें पता चल जाती है जब ये चलता है कि इसके आगे क्या चीज़ है, उससे टकराना है नहीं टकराना है, मतलब कि सब कुछ। ये कभी भी नहीं टकराता किसी भी चीज़ से, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों साइड में इसके एक आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है जिससे ये अनाउंस करता रहता है कि ये अभी क्लीनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्जिंग के लिए जा रहा है, मीन सारी चीज़ें अनाउंस कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे हमें एक डस्टबिन मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये है डस्टबिन जिसमें दोस्तों सारे जो भी ये साफ सफाई करेगा ना उसका कचरा इसमें आएगा। एंड इसे आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो एंड इसमें का जो कचरा है इसे बाहर फेंक सकते हो एंड देन वापिस इसे आप ऐसे फिट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है इसे फिट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ की मिल जाते हैं, बटन मिल जाते हैं, जो हमारा रेड कलर का वो पावर बटन है, वाईफाई एंड रीसेट, तीन बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे पावर ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने पावर ऑन कर दिया एंड यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो चुका है। सो ये सब करने के लिए दोस्तों आप मोबाइल से कनेक्ट इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे की साइड आपको एक वाटर टैंक मिल जाता है जिसमें दोस्तों आप पानी भर सकते हो एंड जिससे मतलब कि यार घर की मीन साफ सफाई के साथ साथ पोछा भी मारेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से आप इसमें पानी भर सकते हो। ये बस इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि काफ़ी छोटा सा टैंक है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम बाद आपको इसे जो है रिफिल करना पड़ेगा, मीन्स पानी भरना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा टैंक आपको दिया नहीं गया है, नीचे की तरफ कपड़ा लगा है जिससे दोस्तों ये पोछा मारने वाला है। सो इसे हम वापस से फिट कर देते हैं, काफ़ी आसानी तरीके से ये फिट भी हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे दो व्हील मिल जाता है एंड यहाँ पे क्लॉथ से पोछा मारने के लिए एंड साथ ही साथ सामने की तरफ एक छोटा सा व्हील है। सो मींस इससे ये जो है चलेगा, इधर से उधर मूव करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा जो पोर्शन है आप देख सकते हो कि नीचे ऐसा कुछ ये दिखता है, मतलब कि पूरा का पूरा एकदम मस्त एकदम लगता है यार जब चलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसके साइड ब्रश हैं वो ऐसे आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, काफ़ी इजी है। ग्रीन वाला ग्रीन में फिट करना है एंड उसके बाद जो रेड वाला है उसे हमें रेड वाले में फिट करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये काफ़ी आसानी से निकल भी जाता है एंड काफ़ी आसानी से इसमें फिट भी हो जाता है। सो ऐसे आपको इसे फिट कर देना है। सो हमारा जो रोबोट है वो पूरी तरह से क्लीनिंग के लिए तैयार हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए। अब करना क्या है, इकोवैक्स जो एप्लीकेशन है उसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है एंड अपने रोबोट से उसे जो है कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों
यहाँ पे आप देख लीजिए आपके जो घर का है पूरा का पूरा नक्शा यहाँ पे रेडी कर देता है। एंड उसके बाद बस आपको यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक ये क्लीनिंग शुरू कर देगा। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे सिस्टम देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रोबोट हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड ये मूव करना भी शुरू कर दिया है, काफ़ी प्यारा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डस्ट इसके सामने डाले थे कि ये साफ करता है या फिर नहीं, एंड आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों इसने ऐसा साफ कर दिया कि भाई पूछो ही मत, देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक बार और मैं करता हूँ ये सेम चीज़, यहाँ पे आप देख लीजिए इसके सामने मैंने रखा है। एंड उसके बाद आप खुद देख लीजिए कितना आसानी से इसने सब कुछ अपने अंदर, मतलब कि जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल दिया। एंड यहाँ पे आप खुद देख लीजिए जो टाइल्स थी वो कितना चमकने लगी, मतलब कि यार एकदम पूरा का पूरा ये क्लीन कर देता है एंड काफ़ी बेहतरीन ये रोबोट है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों ये जब टेबल पे आप इसे रखोगे साफ सफाई करने के लिए ना, तो ये ऐसा नहीं है कि टेबल से नीचे गिर जाएगा, इसे पता रहेगा कि ये ऊपर की तरफ है एंड ये टेबल से नीचे नहीं गिरेगा। चाहे पूरा दिन आप इसे सफाई करवा लो ये टेबल से नीचे नहीं आने वाला है, देख सकते हो, मतलब कि यार इसे सब कुछ पता है, ये इतना एडवांस है ना कि भाई पूछो मत। इसमें इतने सारे सेंसर लगे हैं जिससे ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है एंड इसे पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ पे नीचे गिर सकता हूँ, कहाँ पे क्या है, मतलब कि इसके सामने जो 3D ट्रू डिटेक्ट लगा है उससे सब कुछ इसे पता चल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप चार्जिंग के ऊपर क्लिक करोगे ये कहीं पे भी रहेगा एंड वहाँ से ये जो है चार्जिंग के पास चला जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों आप इसे जैसे कि आप अमेरिका में हो एंड इंडिया में ये रोबोट है तो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कहीं से भी इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जब आप इसे साफ सफाई करवाना चाहते हो बस क्लिक करो एंड वापस से चार्जिंग से ये हट जाएगा एंड साफ सफाई करना शुरू कर देगा। एंड इसमें एक और अच्छी बात यह है दोस्तों जैसे कि साफ सफाई करते करते इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको वापस से चार्ज के लिए क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक जाके अपने आप चार्ज में लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो एंड चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि यार आपको बार बार चार्ज वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो यार मतलब कि यार ऐसा ऐसा गैजेट्स आजकल बन गए ना भाई पूछो ही मत। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे रूम की कितनी बेहतरीन तरीके से कोने कोने में जाके सफाई कर रहा है एंड कोई भी एक छोटा सा कचरा भी नहीं देखने को मिलेगा जब ये सफाई कर देगा, मतलब ये सब कुछ जहाँ जहाँ ये पॉसिबल रहेगा वहाँ वहाँ ये चला जाएगा। एंड कई जगह दोस्तों जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते वहाँ पे ये चला जाता है एंड वहाँ की ये जो है सफाई कर देता है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी भी चीज़ को मतलब कि टकराता नहीं है, कई ऐसे रोबोट हैं जो टकरा जाते हैं लेकिन इसे पहले ही पता चल जाता है कि सामने कुछ है एंड मुझे कैसे रुक जाना है। सारी चीज़ें देख सकते हो आप खुद कितना नीट एंड क्लीन कोने कोने में जाके ये सफाई करता है। तो इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो इसे 3 घंटे कंटिन्यूसली दोस्तों साफ सफाई करवा सकती है, 3 घंटे आसानी से ये रन कर सकता है एंड आपके घर को क्लीन रख सकता है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो प्राइस है तो ये थोड़ा सा हाई है, जहाँ दोस्तों इसकी प्राइस जो है 49,900 है, अमेजोन पे ये आपको मिल जाएगा। इकोवैक्स कंपनी की ये रोबोट है, मीन्स इसका जो नेम है वो है वैक्यूम एंड मोपिंग रोबोट, तो काफ़ी सही रोबोट मुझे लगा है एंड मेरे हिसाब से तो काफ़ी सब कुछ इसका बेहतरीन लगा है, किसी चीज़ में कमी नहीं मिली है, क्योंकि यार ये इतना एडवांस तरीके से इसे बनाया गया है तो कमी की तो कोई बात नहीं है। हर तरह के इसमें सेंसर लगाए गए हैं, कहीं नीचे नहीं गिर सकता, बैटरी ख़त्म होगी ऑटोमेटिक चार्ज लग जाएगा, चार्ज के ऊपर आप क्लिक कर दोगे चार्ज हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों आप इसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको घर में रहोगे तभी ये कंट्रोल होगा, कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड पूरा एकदम एडवांस तरीके से फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।